तो दोस्तों ब्लैक पेंथर टू एक ऐसी मूवी होगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट म्यूटेंट्स का इंट्रोडक्शन होगा उसी के साथ यहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स भी होंगे जो इसको डायरेक्टली एवेंजर्स फाइव से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जब भी कोई भी नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा उसकी स्टोरी काफी लंबे समय तक चलेगी और टचाला कैसे वो को और ज्यादा एक्सप्लोर करेगा वो भी इस मूवी में काफी अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पैंथर के अलावा शूरी का भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है और कैसे ब्लैक पैंथर म्यूटेंट्स को एवेंजर्स टीम में लाएगा ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि जो नए एवेंजर्स आ रहे हैं वो म्यूटेंट्स से पहली बार मिलेंगे तो ब्लैक पैंथर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है म्यूटेंट्स को एक अच्छा खासा सुपर हीरो प्रूफ करने की और यहां पे इस मूवी में विलन से रिलेटेड एक नया अपडेट है जो की ये बताता है की नेमर इस मूवी का विलन नहीं है बल्कि कोई और है हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग एडमेंट थ्री के बारे में भी जानेंगे तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए ब्लैक पैंथर टू साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए तो दोस्तों अगर हम लोग नेबर की बात करें तो वो अटलांटिस भी है और म्यूटेंट भी है इसका मतलब ये है कोई स्ट्रॉन्ग को बहुत पहले से जानता होगा और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग की कंफर्मेशन की बात करें इस मूवी में तो मुता है कि इसकी कास्टिंग शुरू हो गई है बहुत से लोग अपने सामने से नाम दे रहे कि वो उस मूवी में स्ट्रॉन्ग का रोल प्ले करना चाहते हैं इसका मतलब ये है हम लोग को ब्लैक पैंथर और स्ट्रॉन्ग की जोड़ी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है लेकिन ये भी देखना पड़ेगा की ये दोनों एक साथ नेमर से फाइट करेंगे या फिर कोई और सुपर विलन आ रहा है अगर हम लोग बात करें नए सुपरवेलन की तो वो डॉक्टर डूम नहीं है बल्कि कोई दूसरा है जिसका नाम है अटूमा यहाँ पे इस कैरेक्टर को हम सब ने एवेंजर्स की एनिमेटेड सीरीज में देखा होगा जिसमें ये रेड स्कल के साथ काम किया है वेम्पायर ड्रैकुला के साथ काम किया है मोडॉक के साथ काम किया है और भी कई सारे सुपरवेलन है जैसे कि हाइपेरियन ये सबके साथ मिलकर खुद की एक टीम बना के एवेंजर्स पर अटैक करता था लेकिन एवेंजर्स मिलके इन सबको हरा दिए थे अब यहाँ पे अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये एक तरह से प्योर अटलांटिस है लेकिन इसकी ट्राइब थोड़ी अलग थी जिसकी वजह से कुछ इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी बाद में इनकी ट्राइब अलग रहने लगी जब ये पैदा हुआ था, था उसके पास सुपर नेचुरल पावर थी इसलिए अपने ट्राइब का लीडर बन गया था बाद में ये अटलांटिस पर अटैक किया था और ये नेमर का विलन बन गया था यानी कि ब्लैक पैथर और नेमर की फाइट नहीं होगी बल्कि यहाँ पे अटूमा होगा जो वो पे हमला कर सकता है अगर हम लोग बात करें नेमर की तो नेमर के कैरेक्टर को विलन इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि कॉमिक बुक में वो बहुत अच्छी टीम के साथ काम किया है उसने एवेंजर्स के साथ काम किया डिफेंडर के साथ काम किया और यहाँ तक कि फैंटास्टिक फोर के साथ काम किया और जब इसकी फाइट अटूमा हुई थी तो ये फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर उसको हराया था और अगर सिनेमेटिक विलन बना देंगे तो एवेंजर्स टीम में हम लोग को नेमर देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे इसकी सोलो मूवी आ नहीं सकती क्योंकि हल्क की तरह नेमर के राइट्स भी अभी यूनिवर्सल के पास है इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे नेमर दिखाई तो दे ब्लैक पैंथर में इससे उसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी दिखाई दे कि आगे जाके वो ब्लैक पैंथर का फ्रेंड बन जाए फिर एवंजर्स फाइव हम लोग को ब्लैक पैंथर स्ट्रॉम शूरी नेमर सब एक साथ दिखाई दे एक पावरफुल टीम के रूप में अब यहाँ पे बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा होगा की अटूमा ब्लैक पैंथर के वकांडा पे कैसे हमला कर सकता है जब नेमर वहाँ का राजा है तो यही तो दोस्तों असली स्टोरी आती है हो सकता है अटूमा नेमर को कैद करके रखा हो बाद में पूरी अटलांटिस आर्मी से वाकांडा पे हमला करवा रहा हूँ लेकिन जैसे ब्लैक पैंथर और स्ट्रॉ मिल के नेमर को आजाद करते हैं फिर तो वहाँ पे तीनों सुपर हीरो मिलकर अटूमा से फाइट करते हैं और अटलांटिस जिता के नेमर को वहाँ का राजा बना देते हैं लेकिन अगर हम लोग बात करें अटूमा के तो वहाँ से बच के निकल जाता है बाद में जाके वो अपनी खुद की टीम बनाता है अगर हम लोग ने एनिमेटेड सीरीज में अटूमा और रेड स्कल को एक साथ देखा है हो सकता है रियल लाइफ में भी ऐसा पॉसिबल हो की वो मेरे सोच हटने के बाद रेड स्कल वहाँ से आजाद हो गया तो वहाँ पे नए सुपरविलन को रिक्रूट कर सकता है जिसमें अटूमा भी शामिल हो ये दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की जो रिलेटेड है मैन थ्री मूवी से यहाँ पे दोस्तों इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है जून टू में इसका मतलब वर्तव्य है कि हम लोग को 2022 के एंड में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में ये मूवी देखने को मिलेगी अब इसके बाद यहाँ पे इसका प्लॉट डिटेल भी आ गई जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले जिसमें ये बताया गया की कैसी लैंग अब बड़ी हो चुकी है और वो एवेंजर्स टीम ज्वाइन करना चाहती है लेकिन यहाँ पे स्कॉट लैंग को इस बात से दिक्कत है वो कहता है की तुम एवेंजर्स पे जाओगी तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगा लेकिन कैसी लैंग ये बात नहीं मानती बोलती कि मैं की मैं आपकी तरह नई एवेंजर्स बनना चाहती हूँ इस इसप स्कॉटैंड और वासको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वहां से चली जाती है उसके साथ प्रॉब्लम यह आती है कि उसके पास खुद का पिम पार्टिकल वाला सूट नहीं है तब इसमें वो करे कह तो यहाँ पे वो पिम पार्टिकल को खुद ही एक्सपोज करने लगती है अपनी बॉडी पे जिससे होता क्या हुआ कि बिना वो एंट मैन के सूट पहने वो अपनी बॉडी को श्रिंक कर सकती है और एक्सपैंड कर सकती है यानी उसके पास एकदम नई सुपर यूनिक पावर आती है अब यहाँ पे वो नई एवेंजर्स टीम को खोजती है यानी कि अभी पुराने एवेंजर्स नहीं है करेंट टाइमलाइन में और अगर हम लोग न्यू एमेंजेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वोंडा विजन टीवी सीरीज में वोंडा के दो जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। लेकिन वो इतनी जल्दी न्यू एमेंजेस में कैसे आ जाएंगे ये जो तो टाइम लाइन डिसाइड करेगी क्योंकि उस मल्टीवर्स में कुछ भी हो वहां सकता है और वहाँ का टाइम इतनी तेजी से भाग सकता है की उनके बच्चे बड़े होके करंट लाइन में सुपर हीरो बन जाए या फिर इसमें कोई वॉन्डक सुपर नेचुरल पावर का यूज हुआ होगा इन सब के अलावा यहाँ पे केट बिशप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे मिस मार्बल भी आने वाली है यानी कि कैसी लैंग लाइंगजर्स की टीम बनाएगी और हो सकता है कुछ वक्त तक वो लीडर भी बन जाए आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे तब स्पाइडरमैन का क्या होगा तो स्पाइडरमैन की कहानी दोस्तों थोड़ी अलग से होगी वैसे भी वो एक तरह से पुराने एवेंजर्स का पार्ट है इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग इसके विलन की बात करें तो वो है मोडॉक जी हाँ दोस्तों मोडॉक एक ऐसा विलन है जो कि अपने इंटेलिजेंस की मदद से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था लेकिन सिनेमेटिकली उसमें की हिंट आयरन मैन थ्री से मिल गई थी आप लोग को याद होगा एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था एम जो की सुपर ह्यूम बना रही थी एक नॉर्मल पर्सन को क्रिएट करके उस पर टेस्टिंग करके अब यहाँ पे लेकिन आइडिया था वो काम नहीं किया बाद जो मेन कैरेक्टर था वो आयरन मैन थ्री में मर जाता है लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ पे कुछ ऐसे विलन ऑलरेडी बन गए हैं जो कि आगे जाके हम लोग दिखाई देंगे उनमें से एक है मोडॉक्टर दोस्तों मैन टू में जो विलन था जो के लैब के पीछे पड़ा था यानी कि वो क्वांटम टनल को यूज करना चाहता था उसके पीछे का जो मालिक था उसका कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं हुआ तो हो सकता है ये मोडॉक अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कॉमिक बुक की तो मोडॉक हमेशा टोनी की टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ा रहता है और एनिमेटेड सीरीज में भी हम लोग ने यह देखा कि मोडॉक ने अटूमा के साथ भी काम किया जो कि बाद में ब्लैक पैंथर टू मूवी में हम लोग को दिखाई देगा लेकिन दोस्तों अभी करंट सिनारियो में टोनी टाक नहीं है इसलिए मोडॉक को कोई और मशीन चाहिए और जब से उसे ये पता चला कि क्वांटम टनल से हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अलग रियलिटी खोल सकते हैं तब से मोडॉक इस मशीन के पीछे लगा लगाओगे तो आयर्टमैन थ्री में उसका यही मकसद होगा लेकिन इनको रोकने के लिए न्यू एवेंजर्स की टीम आएगी जो बाद में मोडॉक से फाइट करेगी लेकिन जैसे ही स्कॉट लैंग को पता चलेगा की कैसी लैंग बाकी एवेंजर्स के साथ मिलकर फाइट कर रही है वो उसकी हेल्प करने जरूर आएगा और बाद में जाके हम लोग को ये पता चलेगा कि मोडॉक कब से था यानी कि दोस्तों आयम थ्री के बाद भी वो पहले से एग्जिस्ट करता होगा आप लोग को याद है आर एम थ्री में मैंड्रिन का भी इंट्रोडक्शन हुआ था लेकिन वो रियल मैंड नहीं था अब यहाँ पे जो शैंकी मूवी आ रही है उसमें हम लोग को एक्चुअल मैंड का पता चलेगा जिसकी पावर्स रियल में होती है इसका मतलब यह है कि जो शैंगी मूवी होगी वो आयरन मैन वन से कनेक्टेड होगी क्योंकि उस पर पहली बार मैंडेट का रेफरेंस दिया गया था क्योंकि दोस्तों भले ही इन्फिनिटी सागा खत्म हो गया लेकिन उसके इवेंट्स अभी भी फ्यूचर इवेंट्स को इन्फ्लुएंस आराम से कर सकते हैं यानी दोस्तों हर एक चीज पुरानी चीज से कनेक्टेड होकर एक नए रूप में सामने आ सकती है और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अटूमा और मोडॉक कैसे कनेक्टेड होंगे तो हो सकता है ब्लैक पेंथर टू के इवेंट्स के बाद जब वहां से अटूमा बच के चला गया हो तो मोडॉक से डायटली जाके मिला हो और उसने ये बताया कि तुम हैंडप की टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े हो लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है तुम मेरे साथ चलो वकांडा में अगर तुम मुझे वकांडा जिताने में हेल्प कर दोगे तो पूरी वकांडियन टेक्नोलॉजी प्लस वहाँ का वाइब्रेन तुम्हारा हो सकता है फिर यहाँ पे अटूमा मोडॉक को सब कुछ बताता है कि वकांडा में कैसे नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है और फिर वहाँ पे मोडोक दोनों दो 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 मिल के हो सकता है ब्लैक पेंट थ्री में एक साथ वकंडा पे हमला करें या फिर कोई आने वाली यंग एवेंजर्स मूवी में ऐसा हो जाए चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की जो की रिलेटेड है अपकमिंग मार्वल ट्रेलर से सबसे पहले ट्रेलर की बात करें तो वो है इटरस का जिसमें ये दिखाया जा सकता है की इटर उस वक्त कहा था जब एवेंजर्स इम्यूनिटी वॉर के इवेंट्स हो रहे थे एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स हो रहे थे और जब पहली बार लोकी अर्थ पाया था और अल्टोन ऑलमोस्ट अर्थ को खत्म करने वाला था यानी दोस्तों इस ट्रेलर में पास्ट के इवेंट बहुत सारे दिखाए जाएंगे और हो सकता है उन इवेंट्स में हम लोग को पुराना थॉर का वर्जन दिखाया जाए मैन का वर्जन दिखाया जाए और कैप्टन अमेरिका का भी वर्जन दिखाया जाए इन सबके अलावा एवरजेस्ट इन्फिटी वॉर का वर्जन भी दिखाया जाए कि जब थे पहली बार अर्थ पे आया था और वो इन्फिनिटी स्टोन के साथ एक स्नैप किया था इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि जब पहली बार स्नैप हुआ था तो क्या कुछ इंटर्न भी डिस हो गए थे और जब फाइव गेज बाद स्नैप रिवर्स हुआ और सब वापस आ गए तो इटर्न पैसा क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा क्योंकि दोस्तों वो सबसे पावरफुल है तो क्या स्नैप उनको इफेक्ट किया होगा और इसका आंसर है बिल्कुल किया होगा क्योंकि दोस्तों जब टोनी स्टार्क ने स्नैप किया था तो थेनोस और उसकी आर्मी भी डिसइंटीग्रेट हो गई थी और मैं आपको बताना चाहता हूँ की भी एक तरह का इटर्नल है इसलिए अगर ने पहली बार स्नैप किया होगा तो उनमें से कुछ इटर्नस गायब जरूर होंगे जिसकी वजह से फाइनली अब इटर्नस को अर्थ पे सबके सामने आना पड़ा होगा और अपनी असलियत बतानी पड़ी होगी लेकिन मूवी में पता चलेगा कि ये सब इवेंट्स के बाद एक्चुअली में क्या वो एशियंट वन की तरह सीक्रेटली सबको प्रोटेक्ट कर रहे थे या फिर किसी और तरीके से अपना काम कर रहे थे क्योंकि दोस्तों ये सुपर हीरो की टीम को देखने के लिए ऑडियंस बेकरार है और फाइनली जब इनका ट्रेलर आएगा तो ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि इनकी पावर्स कितनी ज्यादा है और इन सबके अलावा ये एवेंजर्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी है हो सकता है थॉर ने इनके बारे में ऑडियंस से कभी सुना हो तो अगर इटर्नस का इंट्रोडक्शन थॉर के साथ होता है या फिर कभी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होता है जो इटर्नस को जानते हो लेकिन एवेंजर्स सामने कभी रिवील ना किए हो तो ऑडियंस को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंशियंट के साथ काफी समय बिताया है और पास में उन्होंने इटर्नस से कोई इंटरेक्शन जरूर किया होगा जिसके बारे में उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाया होगा दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो की रिलेटेड की ब्लैक पैंथर टू से और एंड मैन थ्री से भी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वैसे आपके क्या व्यूज़ टॉपिक पे? अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों अगर आप ऐसी सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग